2014 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा। बीजेपी ने यूपी में अकेले दम पर 71 सीटें जीती थी। एक सीट उसके सहयोगी को मिली थी। यूपी की 80 में से 72 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रचा था। प्रचंड बहुमत से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती। बीजेपी की इन दोनों जीत के शिल्पकार थे अमित शाह। अब दो चरण के चुनाव के बाद जब ये कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव 50-50 होता जा रहा है, तो फिर अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या यूपी में पिछले दो चरण में हुए कम मतदान से बीजेपी टेंशन में है, और कैसे अमित शाह ने फिर यूपी में बीजेपी और आरएसएस की मशीनरी को एक्टिवेट करने का जिम्मा संभाल लिया है। यूपी के जिन 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है, वहां अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने गुरुवार को बरेली और बदायूं में जबरदस्त प्रचार किया। अमित शाह ने यूपी में 2014 की तर्ज पर काम शुरू कर दिया है। वो पार्टी के उस माइक्रो मैनेजमेंट को सक्रिय कर रहे हैं जो दो चरण के चुनाव में कम सक्रिय दिख रहा था। अमित शाह यूपी में बीजेपी कैडर के अलावा आरएसएस के नेताओं से भी मिल रहे हैं और बीजेपी को 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत दिलाने का जोश भर रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने यूपी में जो कामयाबी हासिल की थी, उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी। 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 27 सीटों में से 25 सीटें जीती थी। इस बार आरएलडी से गठबंधन हो गया, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि पहले चरण में फिर भी 2014 जैसे मोमेंटम नहीं बन पाया। इसकी परिणति कम मतदान के तौर पर देखी गई। पहले और दूसरे चरण में कम मतदान हुआ है, तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के वोटर्स कम निकले या विपक्ष के। लेकिन एक नैरेटिव यूपी में पिछले दो चरण के चुनाव के बाद खूब सुना जा रहा है कि बीजेपी की बैकबोन आरएसएस में उदासीनता दिखाई दे रही है। जिस तरह बूथ लेवल पर आरएसएस के कार्यकर्ता पिछले चुनाव में जुटते थे, इस बार वो उतने सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सुनाते हैं कि लखनऊ के दो वरिष्ठ पत्रकार इस बारे में क्या कह रहे हैं। जो पोलिंग कम होती है तो उसका नुकसान किसे हो रहा है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं, करीब 3% का बताया है कि उन्होंने कि वोट कम पड़े हैं। जाहिर सी बात है, ये एक किसी ना किसी तरह की उदासीनता है। वो किस वोटर में है ये स्पष्ट नहीं, लेकिन जहां तक संघ की बात है तो संघ जब बीजेपी दो सांसदों वाली पार्टी होती थी तब से काम कर रहा है और आज तक काम कर रहा है। और सवाल ये है कि अगर संघ नाराज होता तो उसके पास विकल्प क्या है, तो जाहिर सी बात है विकल्प बीजेपी ही है, और बीजेपी नहीं आएगी तो एक तरह से संघ के लिए बहुत नुकसानदेह होगा कि जो उनकी विचारधारा है, जो सोच है, वो आगे बढ़ने से रुक जाएगी। देखिए, जो प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान हुआ तो जो शुरुआती आंकड़े आए थे निर्वाचन आयोग के, जो औपचारिक आंकड़े थे, निसंदेह उसमें जो है 2019 के मुकाबले मतदान कम हुआ। लेकिन अभी कल ही जो है निर्वाचन आयोग ने जो नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं, वो लगभग 66% मतदान पहले चरण में और दूसरे चरण में 66.7 हुआ है। यानी कुल मिलाकर के मतदान प्रतिशत में पिछले के मुकाबले जो है केवल 1.5% का अंतर है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो मतदान प्रतिशत कम नहीं हुआ है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कि उनको उनके लिए कितना नुकसानदायक है, कितना फ़ायदेमंद है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसमें कोई नुकसान नहीं है, हमें फ़ायदा ही है, लेकिन जो जिस तरह विपक्ष कह रहा है कि नहीं, चूँकि मतदान कम हुआ है तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगा। ये बात सही है कि पहले दो चरणों के चुनाव में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ गई है, और मैं तो ये कहूँगा कि उससे सभी पार्टियों को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पक्ष के मतदाता कम निकले हों। अगर ओवरऑल वोटर कम निकले हैं तो ये सभी पक्षों को नुकसानदेह है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्टेक पे ज़्यादा है, उनके ज़्यादा अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं, इसलिए नुकसान उनको ज़्यादा हो सकता है, ये बात मानी जा सकती है। तो इस चुनाव में आरएसएस की उदासीनता को लेकर कही जा रही बातों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर कुछ प्रामाणिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन धरातल पर एक बात जरूर साफ दिखाई दे रही है कि जिन सीटों पर बीजेपी ने कैडर को छोड़कर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिया, वहाँ बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता
जरूर थोड़ा नाराज है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद लोगों में गुस्सा था, तो 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए पुलवामा हमले की वजह से देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी। पिछले दो लोकसभा भी इसी तरह की गर्मियों में ही हुए थे, लेकिन इन दो फैक्टर्स ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया था। हालांकि पहले और दूसरे चरण में कम वोटिंग के फाइनल आंकड़े थोड़ा दुरुस्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी किया, जिसमें बताया गया कि पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने देरी से फाइनल डेटा आने पर भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि आमतौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटों के अंदर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ये काफी देर से जारी हुआ है। लोकसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट फेज की वोटिंग 102 सीटों पर 19 अप्रैल को हुई थी, वहीं 88 सीटों के लिए सेकेंड फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई थी। कम वोटिंग परसेंटेज बीजेपी और विपक्षी दलों के अलावा लोकतंत्र के लिए भी चिंता का सबब बनता है। हालांकि बीजेपी के दिग्गज अमित शाह और सीएम योगी ने जिस तरह मोर्चा संभाला है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि तीसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। अमित शाह चुनाव की आक्रामक रणनीति के लिए जाने जाते हैं। 2013 के पहले यूपी में बीजेपी की हालत ये थी कि उसे दूसरी क्या तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा हासिल करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। इसी बीच जब 2013 में बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, तो मोदी ने सबसे पहला काम ये किया कि अमित शाह को यूपी का इंचार्ज बना दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास है। बीजेपी ने न सिर्फ 2014 में यूपी की 71 सीटें जीती, बल्कि 2017 में यूपी में सरकार बनाई और यूपी के दम पर फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई बेहद जोरदार है। यादव बेल्ट की 10 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी ने 2019 में इनमें से 9 सीटें जीती थी। सिर्फ मैनपुरी से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जीत सके थे। 2014 और 2019 में अमित शाह और बीजेपी के पन्ना प्रमुखों ने जो कमाल दिखाया था, पार्टी 2024 में भी वही दोहराने की उम्मीद कर रही है। अमित शाह और बीजेपी की रणनीति के बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।